हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई है। उसका एक रीज़न है कि मैं थोड़ा बिज़ी थी। एक्चुअली हमने नोएडा से मकान शिफ्ट कर लिया है गुड़गांव में, तो उसी में थोड़ा बिजी थे। लेकिन मैं अभी नोएडा ही हूँ क्योंकि मैं सारा सामान गुड़गांव शिफ्ट करके हम दोनों सूरत चले गए थे मम्मी से मिलने। तो अब मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन मैं नोएडा ही आई हूँ वापस। भाभी के वहाँ पर रुकी हूँ क्योंकि हमने सिम्बा को यहीं पर बोर्डिंग में छोड़ा था। तो अब हम सिम्बा को लेने जा रहे हैं वापस, फिर हम जाएंगे गुड़गांव। तो चलिए मिलते हैं सिम्बा से, इसका रिएक्शन कैसा होता है हमें देख के। तो चलिए अब उससे मिलते हैं और देखते हैं कि वो कैसा रिएक्ट करता है हमें देखकर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिम्बा को लेने जा रहे हैं सिम्बा के स्कूल। सिम्बा को वापस लाएंगे फिर अपने नए घर चलेंगे। आज क्या है? मेरे पापा का बर्थडे। आपने विश किया? हैप्पी बर्थडे मेरे पापा। थैंक यू बेटा। थैंक यू पाइस, थैंक यू सो मच। आपको याद था मेरा बर्थडे? याद था। अच्छा, वेरी गुड। तो हम पहुंच गए सिम्बा को लेने और ये किसी ने अपने घर पे ही बोर्डिंग खोल रखा है और बहुत ही अच्छा है। ये ज़्यादा डॉग भी नहीं रखते हैं इसलिए सिम्बा को बहुत आसानी हुई यहाँ पे रहने में और बहुत घर जैसा ही माहौल उसका फील हुआ। ये देखिए सिम्बा आ गया है और इसने पहचान लिया है। अब देखिए कैसा रिएक्ट करता है। डॉग भी है। हाँ, बोलो। हाँ, असली सिम्बा ही है। वो सिम्बा का दोस्त है, नकली नहीं है। वो भी असली है, बट वो सिम्बा का फ्रेंड है। हाँ, आ तो गए। हाँ बेटू, बोले मेरा बेटा, बोले मेरा बेटा, मेरा बच्चा। तो सिम्बा को बहुत अच्छा लग रहा है, उसे एक अपना फ्रेंड भी मिल गया था बोर्डिंग में जिसका नाम पाब्लो था। तो हम घर के लिए वापस आ गए हैं और हम अपनी सोसाइटी में पहुंच गए हैं। तो सिम्बा को पता चल गया कि वो अपने घर आ रहा है। घर आके मैंने घर की वीडियो नहीं बना पाई मैं, तो अब मैं सिम्बा को नहला रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। तो वहाँ रह के मिट्टी में खेल कर ये बहुत गंदा भी हो गया था, तो मैं इसको नहला रही थी और भाभी मुझसे बात कर रही थी। एक्चुअली जब हम गए थे तो नोएडा आकर ही गए थे गुड़गांव से, तो एक रात जब हम गए थे तब रुके थे। और जब मैं सूरत से वापस आई तो भी मैं भाभी के यहीं पे आई मॉर्निंग में। तो और मॉर्निंग में आके फिर हम सिम्बा को लेने चले गए और भाभी ने खाना वाना सब बना के तैयार रखा था, तो हमने वापस आकर खाना खा लिया और फिर मैंने सिम्बा को नहला दिया। और आज हम वापस गुड़गांव जाने वाले हैं, तो भाभी भी हमारे साथ चलने वाली है। भैया का ऑफिस उधर ही है दिल्ली की साइड ही, तो भैया शाम को ऑफिस से वहीं पर आ जाएंगे और भाभी हमारे साथ रुकेगी कुछ दिन क्योंकि हमें पूजा भी करवानी है घर की। तो पूजा तक भाभी हमारे साथ ही रहेगी, लगभग एक सप्ताह तक भाभी हमारे साथ रहेगी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और सिम्बा कैसे देख रहा है भाभी को, क्योंकि उसको नहाने से बहुत डर लगता है तो पकड़ के नहलाना पड़ता है। और हाँ, आज इनका बर्थडे है तो शाम को हम पहुंच के वहाँ पे पार्टी करेंगे। देखिए कैसे क्या करते हैं, क्योंकि हम जब तक पहुँचेंगे तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा। तो जाने के बाद जैसा भी पॉसिबल होगा तो कुछ तो सरप्राइज़ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अब शाम को क्या होता है। अब हम लोग सीधा यहाँ से निकलेंगे, सिम्बा को नहला धुला के थोड़ा तैयार कर लेते हैं, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। और ये देखिए हम आ गए हैं नीचे सारा सामान लेके, और सामान कुछ यहाँ पे रह गया था। एक्चुअली हमारा जो बालकनी में गार्डन बना रखा था उसकी आर्टिफिशियल जो घास है वो यहीं पर रह गई थी, क्योंकि जब सामान ले गए तो इसमें स्पेस नहीं था तो पीछे ही रख दी थी हम लोगों ने। तो अब हम अपनी गाड़ी में ही से ले जाएंगे। और ये भाभी भी अपना वीडियो शूट कर रही है, बना रही भाभी होशियार है। देखो आप बोलो सब बना लेगी, उसको पकड़ा लिया। बड़ी माँ की गाड़ी है, वो बड़ी है हमारी गाड़ी से भी ज्यादा। तो अभी आप देखिए मेरे पापा अभी आ चुके हैं, तो उन्होंने पार्किंग करने की कर दी है। तो ये अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। तो भाभी आगे बैठ गई है और मैं, सिम्बा और ख्वाहिश पीछे बैठे थे क्योंकि सिम्बा को भी रखना था मुझे। तो मैंने कहा भाभी आप आगे बैठ जाओ ताकि हम तीन लोग पीछे आराम से बैठ जाएंगे। और बातें करते करते हमें कम से कम एक दो घंटे लग गए थे पहुँचने में, लेकिन पता ही नहीं चला टाइम का क्योंकि बात करते हुए जा रहे थे। तो रास्ता बहुत आसान लगा और रास्ते में हमें तरबूज वाला दिख गया, तो मैंने कहा तरबूज ले आओ।
ताकि घर जाके उन्हें थोड़ा ठंडा करके खा लेंगे। तो भाभी और ये दोनों तरबूज लेने चले गए और पास ही में एक नारियल वाला भी था, तो भाभी को नारियल पानी बहुत पसंद है, तो नारियल पानी भी ले आओ। और ये ख्वाहिश हमारी सो के उठ गई है अभी नींद लेकर। उठ गए आप? ओके। तो भाभी नारियल पानी भी लेकर आ गई है और देखो भाभी कितनी खुश हो रही है नारियल पानी देखकर। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है नारियल पानी। और सिम्बा देख रहा है कि क्या लेकर आए हैं। तो अब हम घर के बहुत ही पास पहुंच गए हैं और लगभग घर आ ही चुका है ये समझिए, लेकिन मैं आगे का वीडियो नहीं बना पाई हूँ जो घर में हम गए उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि थोड़ा बिज़ी हो गए थे, सामान वामान गाड़ी में ज़्यादा था और सिम्बा को भी देखना पड़ता है, तो उस वजह से मैं नहीं बना पाई वीडियो। लेकिन मैंने इसके बाद शाम को जो बर्थडे पार्टी मनाई है उसका वीडियो आगे डाला है, तो आप वो देखिए हमने किस तरीके से एंजॉय किया। और अब हम आ गए हैं पार्टी करने के लिए। एक्चुअली मैं जब हम घर आए तो ये अपने ऑफिस चले गए थे, क्योंकि काफ़ी दिन से ऑफिस गए नहीं थे, तो सारे स्टाफ का फ़ोन आ रहा था, उन्होंने ऑफिस में भी इनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था बर्थडे का, तो इनको फ़ोन कर 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 बुला रहे थे, तो ये बोले मैं थोड़ी देर के लिए जाके आता हूँ। तो ये जब तक ऑफिस से आए तब तक 7-8 बज गई थी, तो फिर हमने सोचा कि हम बाहर ही चल लेते, इन्होंने कहा कि घर पे कुछ मत बनाना बाहर ही चलते हैं। तो फिर हम लोग आ गए थे डोमिनोज़ पे, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और सब लोग वहीं पे बस एंजॉय कर रहे हैं। तो भैया आ रहे हैं अभी और ये सबको सैनिटाइज़र करवा रहे हैं हैंड अपने। एक आदत अच्छी हो गई है कि अब जब भी कहीं कुछ बाहर जाते हैं तो हाथ अपने क्लीन हो जाते हैं, नहीं तो पहले सब ऐसे ही चलता था। तो हम लोग आराम से अपना यहीं पे बाहर गाड़ी पे ही एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि हम अंदर जा नहीं सकते, सिम्बा है गाड़ी में तो उसको अंदर अलाउ नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि हम बाहर ही यहीं पे मस्ती करते हैं और यहीं पे खा पी के फिर घर चलते हैं। चिंबूरी 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 सिम्बा क्या कर, क्या लेने गए हैं ये? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे डियर। रुक जाओ, बड़े पापा को खिलाओ, देखो घूम रहे हैं। जय रासा घूम रूम में अरे नारे बनाओ आज तुझे खिला दे, चखला दे बड़े पापा को, जाओ बड़े पापा को खिला दे, इसमें भी खिला दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और वो नीचे झुक जाएंगे तो आप और अब हम घर आ गए थे और भैया इनके लिए आइसक्रीम वाला केक लेकर आए थे, वो जो इनके लिए सरप्राइज़ था, तो मैं इनके सामने बैठ गई थी ताकि इनको पता ना चले कि ख्वाहिश केक लेकर आ रही है। और ख्वाहिश लेकर आई कि बड़े पापा मैं आपके लिए केक बनाया है मैंने। तो वो बड़े पापा को मस्का लगा रही थी और ये देखे कितने खुश हो गए केक देख कर। हम लेट हो गए थे तो ख्वाहिश ने बनाया है ये केक, तो भैया ने जब ऑफिस से आए तब ये लेकर आ गए थे, तो हमने बाहर जाकर से पिज़्ज़ा खाया और हमने कहा हम घर जाकर ही केक कटिंग करेंगे, और घर पे जो मज़ा आता है वो बाहर नहीं आता। हम लोगों को तो पार्टी करने का मज़ा घर पे ही आता है, क्योंकि घर पे हम बैठ के बहुत मस्ती करते हैं सब लोग, और बाहर इतना खुल के एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये सबको केक खिला रहे हैं और सिम्बा देखिए कितना एक्साइटेड हो रहा है, केक का नाम सुनते ही वो एकदम पागल हो जाता है, और जैसे ही कोई हैप्पी बर्थडे बोलता है तो उसको पता चल जाता है कि आज केक मिलने वाला है, तो वो भाग के आया आवाज़ सुनते ही। और हाँ, वीडियो का मेन पार्ट, हमारे घर पर आज एक बहुत ही अच्छे सिंगर आए थे सुपरस्टार, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना कि इन्होंने किस तरीके से एक गाना गाया है और बहुत ही सबको एंजॉय करने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और ये इनको ऑफिस से गिफ्ट मिले थे, सारे कपड़े ही कपड़े, भाई साहब इनकी तो लॉटरी लग गई, सब स्टाफ ने, इनके जो पार्टनर है उन्होंने और सब ने इनको बहुत सारे गिफ्ट दिए, बहुत खुश हो गए थे को इनको कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद एक और एंजॉय वाली बात है जो आप देखिए। Oh, Anil.
अब बिजनेस 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 आइकॉन राज 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 ना ठाकुर द ब्यूटी क्वीन द ब्यूटी क्वीन 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 ए ए ए ए